हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो गाइस, एक अपकमिंग एयर ड्रॉप के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिसमें हमें काफ़ी अच्छा अमाउंट का एयर ड्रॉप हमें मिल सकता है. सेम जैसे DYDX में कुछ स्वैप करने थे इथेरियम चेन पे, और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा अमाउंट का 5,000 to 10,000 dollars का एयर ड्रॉप उसमें मिला है. तो सेम उसी तरीके से ये भी इथेरियम चेन पे है, बट इट्स ऑन अ लेयर टू. लेयर टू मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जैसे कि अभी करंटली सोलाना हो गया, या आवाक्स हो गया, अवलांच, या फिर मैटिक हो गया, दे ऑल आर ऑन लेयर वन. लेकिन लेयर टू जो है, लेयर टू वर्क्स ऑन द सेम इथेरियम चेन एंड इट इज़ मच चीपर. तो वो अवलांच, सोलाना और मैटिक से भी ज़्यादा चीपर रेट पे अवेलेबल है, और उसके टेस्ट नेट्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं. तो स्टेप्स क्या करने हैं मैं आपको सारा बता देता हूँ. लेकिन आपके मेटामास्क में कुछ इथेरियम आपके पास होने चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्रॉम मेन नेट, इथेरियम मेन नेट टू L2. तो आपने आना है वॉलेट डॉट zksync.io पे, और यहाँ पे आपने अपना मेटामास्क वॉलेट आपने कनेक्ट करना है. तो मैंने जैसे बोला, आपके पास मेटामास्क में कुछ इथेरियम होनी चाहिए, अराउंड 0.1 या 0.2, और जो नेटवर्क है आपका होना चाहिए इथेरियम. तो जब आप होम पे आएंगे, यहाँ पे आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, साइन इन करने का ऑप्शन आएगा. वहाँ तक आपको कोई फीस नहीं लगेगी इसमें. लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज जब ये शो होगा, नो बैलेंसेस येट, प्लीज ऐड फंड्स और रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम समवन. तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड फंड्स. तो यहाँ पे आप इथेरियम चेन के कोई टोकन्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इथेरियम मेननेट से इथेरियम L2 पे सेंड कर सकते हैं, जैसा कि सेम हमने इम्यूटेबल वॉलेट में किया था. तो वन टाइम आपको इसमें फीस ज़रूर लगेगी. तो यहाँ पे अभी इसमें मेरे पास है बैलेंस 0.17 इथेरियम का, तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ 0.05 कर देता हूँ. तो कर देते हैं ऐड फंड्स. जो एस्टिमेटेड गैस फीस जो है वो लग रही है $60 की, तो मैं इसको कर देता हूँ कंफर्म. तो गाइज, ये हो गई मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट. लेकिन मेरे को स्पीड अप करना पड़ा, क्योंकि अभी इस टाइम जो गैस फीस हाई है, मेरे को ये वीडियो बनाना था, इसलिए मेरे को ये ट्रांजेक्शन अभी करनी थी, कि वरना जो है ट्रांजेक्शन फेल हो जाती. तो गाइज, आ जाते हैं वापस अपने L2 Layer 2 जो हमारा वॉलेट है उसके बैलेंस पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा Layer 2 का जो बैलेंस है 0.05 ETH जो हमने ट्रांसफ़र की. तो गैस, ट्रांजेक्शन फीस जो थी वो थी $63, और मैंने ट्रांसफ़र की 0.05, तो $214 की मैंने ETH ट्रांसफ़र की, और मेरे को ट्रांजेक्शन फीस पड़ी $63. तो अब हम आ जाते हैं दूसरे लिंक पे, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ये है uni.zksync.io /swap. अब यहाँ पे हमें जो मेटामास्क की सेटिंग्स है वो टेस्ट नेट पे करनी है. कैसे करनी है, उसके टेस्ट नेट की सेटिंग्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्विच नेटवर्क पे, और मेटामास्क पे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट नेट की, रिंकी बाय टेस्ट नेट की जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेगा, जेड के सिंक 2.0 रिंकी बाय टेस्ट नेट. तो ये इन सेटिंग्स पे आना है हमने, और यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट टोकन्स फ्रॉम अ फॉसेट. टू गेट फ्री टोकन्स प्लीज ट्वीट फ्रॉम योर अकाउंट विद अ प्री पॉपुलेटेड टेक्स्ट. द प्री पॉपुलेटेड टेक्स्ट विल यूज़ द हैश ऑफ योर वॉलेट एड्रेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी. तो जो ये हैश एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा. ट्राइंग आउट जीके सिंह 2.0, तो ये ऑटोमेटिकली हैश टोकन जो है इसने यहाँ से कर लिया. तो यहाँ इसको कर दीजिए आप ट्वीट, और यहाँ से इसको कर लीजिए आप कॉपी.
तो यहाँ से इसको कर लीजिए आप इसको कॉपी, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, सक्सेसफुली क्लेम्ड। तो हमारे पास जो है ये 300 USDC जो है ये रिंकी बाय टेस्टनेट के टोकन्स हैं, ये इनकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये अब आप इसको कितनी भी बार इसको आप स्वैप कर सकते हो, आपको कोई इसमें गैस फीस नहीं लगेगी। तो जैसे हम करते हैं सपोज 10 USDC टू 0.2025 लिंक अलाउ, सिग्नेचर रिक्वेस्ट, साइन इन, तो पहली दो ट्रांजैक्शन होती हैं और अब आपको कोई भी इसमें गैस फीस नहीं लगेगी, क्योंकि अब हमारी ईथ जो है वो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम मेन नेट टू लेयर टू ऑन ZK रोल अप। अब इसको हम कर देते हैं स्वैप, कंफर्म स्वैप। तो आप देख रहे होंगे कि मेटामास्क का जो है इंटरफेस चेंज हो गया, क्योंकि ये है लेयर टू पे। तो गाइस आपने अगर इम्यूटेबल वॉलेट आपने यूज किया होगा तो आपको बहुत इजीली ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब इथेरियम मेन नेट से आप इस वॉलेट में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको कुछ इथेरियम प्लस जो ट्रांजेक्शन फीस है वो आपको लगेगी। तो मिनिमम आप अगर $100 तक आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्लस जो आपकी $50-60 डिपेंडिंग अपॉन द गैस प्राइस जो लगेगी वो भी आपको इसमें पेयर करनी पड़ेगी। तो गाइस जो ये जो भी हम स्वैप कर रहे हैं, ये हम टेस्टनेट के टोकन स्वैप कर रहे हैं, मैंने बताया कि इनकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ZK सिंक लाइव होगा, हमें इसमें एक बहुत अच्छा अमाउंट का एयर ड्रॉप हमें मिल सकता है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो आप ये टास्क कंप्लीट कीजिए। अगर इफ़ यू कैन इफ़ यू वांट टू गो फॉर मोर देन वन वॉलेट, इफ़ यू कैन अफोर्ड स्पेंडिंग $100-200 पर वॉलेट, यू कैन डू इट मल्टी वॉलेट ऑल्सो। सो गाइस इसी तरीके के एयर ड्रॉप्स, अपकमिंग एयर ड्रॉप्स की अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेडिंग टिप्स मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो गाइस हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।